फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इस टॉपिक में हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर दो वायर्स हैं, उनको पास पास रखा गया है और दोनों वायर्स में अगर करंट फ्लो किया जाए तो उनके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यों। पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यों, तो मैग्नेटिक फोर्स लगने का रीज़न ये होता है कि जैसे ही इन दोनों वायर्स में हम करंट फ्लो करते हैं, मान लो पहले वायर में करंट है I1, दूसरे वायर में करंट है I2, तो जैसे ही इन वायर्स में करंट फ्लो किया जाएगा, ये दोनों ही वायर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और दो मैग्नेटिक फील्ड अगर पास पास होते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे दो मैग्नेट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, उसी तरीके से ये दोनों वायर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, इस वजह से दोनों वायर्स पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था याद हो तो शुरू में ही चैप्टर में, कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है और उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है ILB sin θ। इस फॉर्मूले को यूज़ भी करेंगे इस डेरिवेशन में, इस टॉपिक में कोई नई चीज़ नहीं है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर लेंगे कि दोनों वायर्स पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर आप किसी भी वायर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin θ। आई मतलब करंट, एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और थीटा मतलब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल। ठीक है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पहले वायर में जैसे करंट फ्लो करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर रखा होगा तो दूसरे वायर पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ऐसे ही दूसरा वायर करंट फ्लो करने से क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में पहला वाला वायर रखा हुआ होगा, पास में तो रखा है इसके, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा और दूसरे वायर पे जो फोर्स लगेगा वो पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। समझ में आई बात, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और इस फॉर्मूले को यूज़ करके अभी हम ये कैलकुलेट करेंगे कि दोनों वायर्स पे कितना कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। पहले तो ये बताओ कि जो पहला वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो थंब ऊपर कर लिया, इधर फिंगर्स किधर जा रही है, इनवर्ड, और इधर पीछे से घूम के आउटवर्ड आ रही है। इसका मतलब इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा, यानी कि इस वायर को जो मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, इनवर्ड। देखो इधर से इनवर्ड जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना देता हूँ और ये पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए B1 लिख देते हैं यहाँ पे। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है भाई, इनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही सोच के बताओ कि दूसरा वाला जो वायर है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, बताओ। करंट ऊपर तो इधर इनवर्ड, इधर आउटवर्ड, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होगा, इधर इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड होगा। तो दूसरे वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड इस पहले वाले वायर को मिलेगा वो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड को डॉट के सिंबल से बताते हैं, ये हो गया B2, ये B2 की डायरेक्शन है अपने लिए। तो B1 की डायरेक्शन पता चल गई और B2 की डायरेक्शन पता चल गई, समझ में आया ये। अब एक चीज़ और सोच के बताओ, पहले वायर के लिए करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है सेकेंड वायर का वो किधर मिल रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पहले वायर के लिए थीटा कितना, 90 डिग्री, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सेकंड वायर के लिए भी बताओ इसी तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, सेकंड वायर में करंट ऊपर, एंगल कितना, वही 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। एंगल समझ में आ गया, दोनों के लिए थीटा 90 है। ठीक है जी, मान लो दोनों वायर्स को हमने एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ है, r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो अभी ये बताओ कि अगर ये वायर्स इन्फाइनेटली लार्ज हैं और पहले वायर से अगर r डिस्टेंस पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कौन सा फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी इन्फाइनेटली लार्ज वायर से r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, बताओ। B = μ0I/2πa या R, है ना। A का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, वायर से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस पे है पॉइंट, वो होती है डिस्टेंस A। अब यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को पहले वाले वायर के लिए लगाऊँ तो पहले वायर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना आएगा,
यह आएगा म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। और सेकंड वायर के लिए लगाऊं तो सेकंड वायर से कितना दूरी पे है ये वायर, फर्स्ट वाला वायर वही आर दूरी पे है, तो सेकंड वायर से आर दूरी पे वो जो मैग्नेटिक फील्ड बी टू प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, तो म्यू नॉट सेकंड वायर में करंट है आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई आर। आया समझ में? अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इन दोनों वायर्स पे कितना कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी समस्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये इन्फाइनेटली लार्ज वायर्स है तो इनकी लेंथ कितनी है, इन्फाइनेट। तो अगर L की वैल्यू इन्फाइनेट पुट करोगे तब तो आंसर क्या बन जाएगा, इन्फाइनेट बन जाएगा, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों वायर्स की 1 मीटर लेंथ पे फोर्स कैलकुलेट करके देखना है, सिर्फ 1 मीटर लेंथ पे। फिर लेंथ जितनी भी रही होगी उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे उस वैल्यू को तो उतनी लेंथ पे फोर्स मिल जाएगा। जैसे अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि इस वायर की या इस वायर की 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, एल की वैल्यू 1 लेके ये कैलकुलेट कर लूँ कि इस पे और इस पे एक एक मीटर लंबाई पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बाद में अगर मुझे पूछा भी जाए कि ये दोनों वायर्स 50-50 मीटर लंबाई के हैं तो बताओ इन पे फोर्स कितना लगेगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं उसको, 1 मीटर लंबाई पे फोर्स पता है तो 50 मीटर पे इजीली बता सकते हो आप, समझ गए बात। तो पहले वायर की 1 मीटर लंबाई पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब 1 मीटर लेंथ, लेंथ ऑफ वायर 1, फर्स्ट वायर की 1 मीटर लंबाई पे कितना फोर्स लगेगा उस वायर पे, तो फोर्स होगा एफ इक्वल्स टू आई, आई मतलब करंट, पहले वायर में करंट कितना है आई वन, लेंथ कितनी लेनी है 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई पे कैलकुलेट कर रहा है ना, और बी कौन सा होगा, बी वो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो पहले वायर पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, सेकंड वायर का, तो बी टू लेना है यहाँ पे, इनटू क्या आएगा साइन 90 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करो, अच्छा इसको एफ वन लिख देता हूँ, पहले वाले वायर पे फोर्स है इसलिए एफ वन नाम दे दिया इसको, आई वन इनटू बी टू की वैल्यू है म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर, साइन 90 कितना होता है 1, तो थोड़ा सा इसको आई वन को आगे लिख देते हैं तो ये बन जाएगा एफ वन इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। ये आ गया अपने पास में फर्स्ट वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स। इसी तरीके से बताओ सेकंड वायर की 1 मीटर लंबाई पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर 2। सेकंड वायर के लिए कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मूला चिपकाना है, फोर्स लगेगा एफ टू है ना, आई कितना है, सेकंड वायर में करंट कितना आई टू, लेंथ कितनी 1, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड वायर पे कौन से वाला मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, फर्स्ट वाला वायर है ना उसका मैग्नेटिक फील्ड, इनटू साइन थीटा कितना लेना है 90 डिग्री, एफ टू इक्वल्स टू आई टू इनटू बी वन की वैल्यू है म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर, तो बताओ आंसर क्या आएगा, एफ टू आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर लिख देंगे इसको। तो हमको ये बात समझ में आई कि दोनों वायर्स की 1 मीटर लंबाई पे जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला सेम आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ऊपर फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, नीचे फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, इसका मतलब दोनों वायर्स की 1-1 मीटर लंबाई पे फोर्स बराबर ही लगेगा चाहे इनमें करंट सेम हो या अलग अलग हो। दोनों वायर्स में करंट क्या माना हमने, आई वन और आई टू, अलग अलग करंट है लेकिन फोर्स दोनों पे सेम आ रहा है, कितना म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर और म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। इसका मतलब अगर दो वायर्स में करंट फ्लो किया जाए और उनको पास पास रख दिया जाए तो दोनों वायर्स में चाहे सेम करंट हो या अलग अलग करंट हो दोनों के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा, उसका फॉर्मूला सेम आ रहा है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स सेम लगेगा। पहली बात समझ में आ गई, अब कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो और बता दो, लास्ट बताओ कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन रखना है, तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये देखो जो पहला वायर है उसके लिए करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रखो, मिडिल फिंगर को अपवर्ड डायरेक्शन में यानी करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करो, तो थंब इधर जा रहा है।
है ना। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला वायर है उसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, ऐसे ही सेकंड वायर पे कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है इसके लिए, है ना, फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ, तो हाथ को घुमाना है, ये मत कर लेना कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फर्स्ट फिंगर ऊपर, ये लो मरोड़ दी इसको, उंगली नहीं घुमानी है, हाथ को घुमाना है, ठीक है। थंब किधर गया, इधर, इसका मतलब फोर्स लगेगा इधर, ये लो जी फोर्स F2 की डायरेक्शन, बात समझ में आ गई क्या, बोलो। मतलब दोनों फोर्स किधर हैं, एक दूसरे की तरफ हैं, तो इससे एक रिजल्ट और याद रखो कि दोनों वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो दोनों वायर्स पे जो फोर्स है वो एक दूसरे की तरफ लगेंगे, मतलब वायर्स अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे इन फोर्सेस की वजह से। लेकिन अगर मैं एक वायर में करंट उल्टा कर देता ना, कोई से भी एक में, मतलब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता, तो आप देखते कि इन फोर्सेस की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, बाहर की तरफ आएगी, मतलब वायर्स क्या होंगे, रिपेल होंगे, समझ में आया। तो दोनों वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों जो फोर्स है वो एक दूसरे की तरफ लगेंगे, वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेंगे दोनों वायर्स पे, यानी कि वायर्स रिपेल होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो सेम डायरेक्शन में करंट है तो क्या होगा, अट्रैक्शन इनके बीच में, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो क्या होगा, रिपल्शन। आया समझ में, क्लियर है एकदम बात, कोई भी डाउट, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं जिनमें करंट फ्लो किया जाता है तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जैसे पहले वायर में करंट है I1, सेकंड वायर में करंट है I2। तो क्योंकि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए होंगे, पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें सेकेंड वायर रखा होगा, सेकेंड वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें फर्स्ट वायर रखा होगा, तो दोनों पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पहला जो वायर है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आया था अपना, यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। और यही फॉर्मूला सेकंड वायर के लिए आया था, सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे यानी वन मीटर लेंथ पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला भी क्या था, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। दोनों के लिए फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है, तो इससे एक रिजल्ट बना कि दोनों वायर्स में चाहे अलग अलग करंट फ्लो हो रहा हो लेकिन इन दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा। एक में I1 करंट है, एक में I2 करंट है, ये अलग अलग करंट है लेकिन फोर्स इन पे बराबर लग रहा है, तो ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, तो वो आपको बताई थी, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है दोनों वायर्स में तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, एक में ऊपर है एक में नीचे है, तब क्या होगा, तब रिपल्शन फोर्स लगेगा, तब बाहर की तरफ फोर्स लगता है, दोनों वायर्स एक दूसरे से रिपेल होते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भाई, वायर में जब करंट फ्लो करोगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो किस टाइप का होगा, दोनों वायर्स के लिए इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, किस टाइप का आपको दिखेगा, उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले रिमाइंड करवा देता हूँ कि कोई भी वायर हो, जैसे उसमें करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, सर्कल्स की फॉर्म में होता है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे सर्कल बन जाएंगे ना। और करंट की डायरेक्शन में अगर राइट हैंड थंब को रखा जाएगा तो फिंगर्स के कर्ल होने की डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। वायर में जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में क्या रखना है, थंब को रखना है। तो वायर के चारों तरफ जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी, घूम रही होंगी, वही क्या मानी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। ये बात हम कर चुके हैं, ये हमको पता है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने को। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों वायर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा। तो इसमें दो अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। पहला केस, दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है और सेम मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट है वो सेम कंसिडर किया जा रहा है। और इसी तरीके से दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों वायर्स में जो करंट है वो क्या हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, आई और आई ये करंट फ्लो रहा है दोनों वायर्स में, लेकिन पहले केस में दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, दूसरे केस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके देखते हैं। पहले वाले केस में देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना बिल्कुल आसान है, आपको सिंगल वायर के लिए जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हो उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे पहले वाले वायर के लिए देखो, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को ऊपर कर लो, इधर फिंगर्स इनवर्ड जाएंगे, इधर आउटवर्ड आएंगे, तो पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
कुछ ऐसा होगा, देखो ये पहले वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इनवर्ड होगा इधर आउटवर्ड होगा, ऐसे इसका ड्रॉ कर दो। ये देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये हो गया। लेकिन बीच में देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो बीच में अब और जो आगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करोगे, अच्छा ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये बीच में ड्रॉ नहीं करनी है। देखो मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहाँ से इसको आगे कनेक्ट कर दिया दूसरे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाएगा। देखो बीच में ड्रॉ नहीं किया है, क्यों नहीं ड्रॉ किया समझ में आया, क्योंकि बीच में दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा इसका आउटवर्ड होगा इधर, तो दोनों आपस में कैंसिल, तो बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो ये वाली लाइन मैंने आगे नहीं बढ़ाई है, फिर आगे सेकंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस लाइन से ये कनेक्ट हो गया आगे जगह, ठीक है। इसमें कैसा बनेगा, इसमें वापस वैसे ही देखो, करंट ऊपर है, थंब ऊपर कर लिया, फिंगर्स इधर इनवर्ड जा रही हैं इधर आउटवर्ड आ रही है, तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है। इसके लिए तो इसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन में थंब कर लो, फिंगर्स इधर इनवर्ड जाएंगी इधर आउटवर्ड आएंगी, तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे ड्रॉ करोगे, इधर तो इनवर्ड होगा और इधर आउटवर्ड होगा, ऐसा कुछ आपको ड्रॉ करके बताना है। और इसमें ये जो बड़े वाला लूप है बाहर वाला, ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, इसके लिए इधर होगी, तो दोनों अपोजिट हो गई आगे, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो बीच में कनेक्ट नहीं कर सकते इनको, कनेक्ट तभी कर पाते जब ये सीक्वेंस में चल रही होती, जैसे इधर से आती और फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ होता ऐसे, तो वो कनेक्ट हो जाता जैसे इसमें मैंने ड्रॉ किया है, समझ रहे हो बात, तो बस इतना ही छोड़ देना है। तो ये इनके मैग्नेटिक फील्ड हो गए, पहले वायर में पहले केस में दोनों वायर्स में सेम मैग्नीट्यूड का करंट है और सेम डायरेक्शन में है, दूसरे वाले केस में सेम मैग्नीट्यूड का करंट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर पूछे एग्जाम में कि ड्रॉ करके बताओ, तो आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ करके बताओगे, बिल्कुल आसान है, समझ में आया क्या।